गाइज मैं निकला नमाज़ पढ़ के, जो मैं कि मैंने लकी वन की मस्जिद के अंदर पढ़ी थी। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सीधा मॉल में आ गया। मॉल से निकलने के बाद मैं पार्किंग में आया। पार्किंग में आया तो दानिश ने निकाली बाइक और हम निकल गए मिशन लंच के लिए। लंच हमें करना था क्योंकि भूख लग रही थी, तो हम सोच रहे थे क्या खाएँ क्या खाएँ। तो इतनी देर में तो सूरज मामा हमें चमाटे करा रहे थे रास्ते में। तो खैर हमने फिर डिसाइड करा कि क्यों ना हम जावेद नहारी चलें। हम जावेद नहारी के लिए निकल पड़े। जावेद नहारी के लिए निकले तो वहाँ पे जब हम जैसे ही हम पहुँचे तो हमें पता चला कि जावेद नहारी तो बंद है। तो फिर हमने वहाँ से वापस घुमा ली बाइक। वापसी घुमा के हम आ गए अल्लाह वाला। वापसी हम आ गए अल्लाह वाला। अल्लाह वाला पे हम पहुँचे तो हमें बिरयानी तो खानी नहीं थी, तो सोचा खैर इसका पास और भी चीज़ें होती हैं, तो हमने मेन्यू मंगवा लिया। तो मेन्यू देखा तो दानिश ने कहा कि कोरमा मंगा लेते हैं। हमने फिर कोरमा मंगा लिया, लेकिन कोरमे के साथ मसला ये था कि नान नहीं थे। तो नान के लिए मैंने दानिश को रवाना कर दिया और दानिश रवाना हो गया नान लेने के लिए। दानिश आगे फिर मैं जब तक मेन्यू देख रहा था तो इतनी देर में दानिश सामने से आ रहा था नान लेकर। A few moments later, मेरे अंदर सांस में सांस आई कि चलो शुक्र है नान आ गए। और हमने फिर खाना स्टार्ट कर दिया। हम लोग खाना खा रहे थे, खाना हमने खाया जल्दी जल्दी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खाना खाया नहीं जा रहा था गर्मी की वजह से, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। तो इसलिए मैंने दानिश को बोला, दानिश आज तुम्हें जीतना होगा, मुझसे नहीं खाया जा रहा। तो खैर हमने खाना खाया और हम फिर निकल पड़े वापसी अपनी मंजिल की तरफ। हमें जाना था एक जगह बंदे से मीटिंग करने, लेकिन वहाँ जा नहीं सके, बंदे का कॉल आ गई थी। तो सीधा हम चले गए वापसी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन। और रास्ते में हम अपने लकी वन वाले रोड से घूमते हुए डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचना था हमें। वो बंदर जिससे मिलना था वो तो आ नहीं सका, तो हम सीधा आ गए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, इसीलिए फिर हम आकर वहाँ पे बैठ गए।